नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिसाइज इमेज पिक्चर इन एमएस पेंट में। मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है या कोई पिक्चर है, उसको आप एमएस पेंट के थ्रू कैसे रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी पोर्टल पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, इमेज अपलोड कर रहे हैं, और वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि इतनी साइज की ही इमेज आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, तो हमें कई बार इश्यू आ जाता है। उस इश्यू को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये अभी एक इमेज है जो मेरे पास 88.5 KB की है। अब मान लीजिए मैं इसको कहीं अपलोड कर रहा हूँ और मुझे वो बोल रहा है कि नहीं जी, आप तो इसमें 50 KB का ही पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे रिसाइज कर सकते हैं, पहले आप माउस का राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ आप एमएस पेंट कर लेंगे। अभी देखो आप यहाँ पर आपको इसका साइज दिख रहा है और यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो दिख रहा है कि ये 260x260 पिक्सल का हाइट और विथ का एक इमेज है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मेन्यू में रीसाइज, और इसका शॉर्टकट की क्या Ctrl+W, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। रीसाइज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में देखो दोस्तों क्या है कि एक तो परसेंटेज दे रखा है कि अगर आप इसकी परसेंटेज रिड्यूस करेंगे तो साइज कम हो जाएगा, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से पिक्सल में है, मान लीजिए अभी मुझे ये 50 KB का करना है तो मैं इसका 160 कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों अगर आप यहीं पे इसको कंट्रोल एस करेंगे तो वो जो इमेज एग्जिस्टिंग इमेज थी आपके पास वो की वही अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे साइज देखो मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल एस करा अब ये 39.5 KB का मेरी इमेज यहाँ पे दिख रहा है नीचे, ठीक है। मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एक बार और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे वापस। अब मैं इसको रीसाइज वापस से कर रहा हूँ एक बार, ताकि अगर आप एग्जिस्टिंग इमेज को रखना चाहते हैं ओके, आप यहाँ से जाके फाइल सेव एज कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए ये मेरी इसका नाम मैं 2 कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने नई इमेज सेव करी है उसका साइज हो गया 3.9 KB और ये मेरा ओरिजिनल इमेज था। तो आप ऐसे एमएस पेंट के थ्रू रिसाइज पे जाके पिक्सल्स और परसेंटेज दोनों के थ्रू इमेज का रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि इमेज का रिसाइज करके कैसे हम पोर्टल पे इजीली अपलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।